हम सामाजिक विज्ञान में उसके अंतर्गत हम इतिहास में भूमंडलीकरण विश्व का बनना पड़ेंगे। भूमंडलीकरण क्या है? भूमंडलीकरण मतलब हम पूरी विश्व की जानकारी हमारे पास कैसे मिलती है, कैसे करते हैं, सबका ज्ञान कैसे हुआ, उसके बारे में इसके अंतर्गत हमको जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि भूमंडलीकरण विश्व का बनना ये कैसे बना। तो जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो उसमें आमतौर पर हम यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था की बात करते समय हम इस अध्याय में ये देखेंगे कि भूमंडलीकरण विश्व के बनने की प्रक्रिया किस तरह से शुरू हुई। इसमें व्यापार है, फिर काम की तलाश में एक जगह से हम दूसरी जगह जाते हैं, फिर उसमें पूंजी व बहुत सारी चीज़ें जो हैं वैश्विक आवाजाही के कारण हम लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। चाहे हम भोजन हो, चाहे पैसे हो, चाहे कुछ भी हो, उसको हम साथ में लेकर चलते हैं जिससे कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह आसानी से पहुंच जाती है। उसी से इतिहास के हर दौर में जब हम अध्ययन करेंगे या जानेंगे तो मानव का समाज जो है, मानव समाज, वह ज़्यादातर एक दूसरे के नज़दीक आते गए हैं। जिस तरह से आप देखोगे एक गांव का इंसान दूसरे गांव से या एक शहर का स्थान इंसान जो है दूसरे शहर के इंसान से जब मिलता है। आप लोग को हमारा देश क्या है, वसुदेव कुटुम्बकम के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग जब देखेंगे हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के जब हम बाहर जाते हैं या फिर किसी और दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ की बोली, भाषा, खान पान, रहन सहन, हर चीज़ जो है वह चेंज हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उनकी परंपरा को भी अपनाते हैं, उनकी खान पान को भी अपनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उसको भी हम अपनाते हैं। खान पान है, रहन सहन है, बीज है, हम उस खेती को दूसरी जगह भी करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से भूमंडलीकरण के अंतर्गत हमें ये प्रसार देखने को मिलता है। फिर अब इसमें देखेंगे रेशम मार्ग, ये जो दिया हुआ है रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग क्यों कहा गया है? क्योंकि रेशम मार्ग इसलिए कहा गया है कि आधुनिक काल से पहले युग में जो दुनिया में दूर दूर जो स्थित भागों में थी सांस्कृतिक संपर्क से सिल्क मार्ग के रूप में सोचा है। क्योंकि यहाँ पर सिल्क मार्ग इसलिए कहा गया है कि यहाँ का जो माल था वह जो सिल्क का था वह बहुत ही नरम होता था, सॉफ्ट होता था, और वह सिल्क जो है एक अंगूठी के अंदर से भी आसानी से निकल जाता था। और यहाँ पर जो कुछ चीज़ें और भी देखेंगे, पश्चिम को भेजे जाने वाले जो चीनी रेशम सिल्क जो है वह भी उसका भी बहुत महत्व था, और वह ईसा पूर्व जो है उस समय से पहले सामने ये सब चीज़ें आ चुकी थी। फिर ये प्रक्रिया जब हम देखेंगे तो कुछ सदी बाद जब मुस्लिम धर्म निर्देशक आए, वो भी रास्ते दुनिया भर में फैले, ये सब चीज़ें जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई। तो ये जो है पता चला कि ये कहाँ से आया है और कैसे बना हुआ है। फिर हम दूसरा देखेंगे भोजन की यात्रा। अब भोजन की यात्रा कैसे बोलेंगे? अब भोजन की यात्रा जो लगी उसको यात्रा क्यों बोलेंगे? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे देश में नहीं होती थी वह दूसरे देशों में होती थी। अब जैसे यहाँ हम देखेंगे, जैसे कुछ चीज़ें हम सांस्कृतिक रूप में भी आदान प्रदान करते हैं, कई उदाहरण भी मिलते हैं। इस बीच में बहुत सारे जब हम आते जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब व्यापारी या मुसाफिर जब किसी नए देश में जाते थे तो वहाँ पर जाने अनजाने में वो क्या करते थे, नए फैसले, नई फसल, नई बीज वह भी लेकर जाते थे और उस चीज़ को वहाँ छोड़ आते थे, या फिर गिर जाता था, या फिर किसी तरह से वो उग जाते थे। इस तरह से वो फसलें वहाँ हुई तो पता चला कि ये फसल जो है हम वहाँ भर नहीं, हमारे देश में भी उस चीज़ की फसल आसानी से हो सकती है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बताया गया कि नूडल्स है ना, ये नूडल्स जो दिए हुए, नूडल्स का भी एक उदाहरण हम दे सकते हैं। ये जो है नूडल्स चीन में पश्चिम से पहुंच, मतलब ये जब एक स्थान से दूसरे स्थान गया होगा कि मतलब ये जल्दी से बना खाने वाला, भूख मिटाने वाला, ये चीज़ें कहाँ से आई, कैसे आई, उस चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। फिर अरब के यात्रियों के साथ 5वीं सदी में भी सिसिली जब वो पहुँचा होगा, भारत जो आहार है वह भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इस तरह से फिर हम देखेंगे यहाँ पर इन संस्कृति के जो है लेन देन इतना बढ़ गया था, जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे स्वाभाविक है हम उस संस्कृति के बारे में जानेंगे, उस संस्कृति को हम समझेंगे, उनके खान पान को समझेंगे, उनके रहन सहन को समझेंगे, तो हम उस चीज़ को बताते हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ आया, जैसे ये नीचे दी हुई है, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो है दूसरे खाद्य पदार्थ हैं। लगभग 500 साल पहले ये खाद्य पदार्थ जो वहाँ पर पाए जाते थे, लेकिन ये जो विदेशी आए, क्रिस्टो कोलम्बस आया,
जब ये यहाँ आया होगा तो अपने बीज कुछ बीज वगैरह अपने साथ लाया होगा या कुछ खाने की चीज लाया। यहाँ हम देखेंगे कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस से जो आया तो महाद्वीप पहुंच गया था और उसने अपने साथ जो चीजें लाया था वह अनजाने रूप में यहाँ पर छोड़ गया था। उसी से अमेरिका और कैरेबियन महाद्वीप जो है ये वहाँ पर द्वीप समूह है जो पाए जाते हैं। उसी तरह से भी देखेंगे इसके पहले भी जब साधारण आलू का इस्तेमाल भी शुरू करते थे क्योंकि ये गरीबों की जिंदगी के लिए खाने का, क्योंकि वो आलू को वह उबाल कर भी खा सकते थे, वैसे भी खा सकते, मतलब हर तरह से आलू को वही उपयोग कर सकते थे। फिर देखेंगे विजय बीमारी और व्यापार। अब विजय बीमारी और व्यापार क्या है? तो सबसे पहले जो विदेशी थे वह 16वीं सदी में हम जब देखेंगे यूरोपीय जो जहाजी थे वो एशिया के एक समुद्री रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया था और उपनिवेश बढ़ाने, हमने पिछली क्लास में उन्होंने बताया था कि उपनिवेश, उपनिवेश क्या है, जब वह अपने दूसरे देश को अपने उपनिवेश बनाकर अपने राज्य का विस्तार करने के लिए उस पर अपना अधिकार भी बनाते थे। तो इस तरह से वे अपने उपनिवेश का विस्तार करते थे, वे विजय प्राप्त करते थे, उसको लड़कर उस स्थान पर अपना कब्जा करते थे। इस तरह से वे जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे वो कुछ ना कुछ अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और खान पान, रहन सहन सब चीजें साथ में लेकर जाते थे और उनके हिसाब से वहां पर ये सारी चीजें जो है चेंज हो जाती थी। फिर यहाँ पर देखिए दायित्व, यहाँ पर आवाजाही और बढ़ने लगी जिससे कि यहाँ की आबादी में भी जिससे यूरोप की तरफ भी उनमें लगी थी, क्योंकि ये चीज क्या था, उन लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। फिर आज के पेरू और मेक्सिको में भी हम देखेंगे कि वहां भी जो मौजूद खाना है वहां से निकलने वाली जो चीजें हैं वह किस तरह से, यहाँ पर देखेंगे जो व्यापार की गति, उससे क्या हुआ, व्यापार की गति को भी प्रदान मिला और 17वीं शताब्दी में आते आते हुए क्या हुआ, पूरे राष्ट्र में ये चीजें जो है फैल गई थी, कई किस्से बनने लगे थे और साथ ही साथ कई किंवदंतियां इसके बदौलत बनने लगी थी। फिर आगे जब हम और जाकर देखेंगे तो उसके बाद जो बहुत सी खोज भी हुई है जिससे कि हमें बहुत सारी जानकारियां जो है हमें मिलने लगी थी। फिर 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली, स्पेनिश और सेनाओं की विजय का सिलसिला जो है शुरू हो चुका था और वे केवल यूरोपीय सेनाएं केवल क्या कर रहे थे, अपनी सैनिकों की ताकत से, ताकत पर, उसके दम पर, और इस तरह से ये स्पेनिश विजेताओं की ओर ये शक्तिशाली के रूप में वह सामने आए थे। जब हम देखेंगे इस तरह से हम देखेंगे कि वहां पर क्या था, हथियार तो उनके सिर्फ चेचक जैसे कीटाणु, मतलब जब वह हथियार लेकर आए वह यहाँ पर आए और जब वे विजय भी हुए उनके साथ साथ कुछ बीमारियां भी आई, है ना, बीमारियां भी आई, कीटाणु भी आए जो कि उनको जैसे एक मौसम जो होता है किस तरह से पनपते हैं, है ना, तो उस तरह से वो बीमारियां भी आई जिनको कि यहाँ तेजी से बढ़े, इसमें कीटाणु क्या थी, चेचक जैसे कीटाणु, चेचक जैसे बीमारी भी यहाँ तेजी से फैली और स्पेनिक सैनिकों और अफसरों के साथ यहाँ वह पहुंच गया था। इस तरह से बीमारियों से बचने के रोग की प्रतिरोध क्षमता उस समय नहीं थी क्योंकि वो नए माहौल में आए थे, नई जगह पर वो आए हुए थे। फिर आगे जब हम देखेंगे तो इस तरह से इस नए चेचक में बहुत महान मतलब मारक साबित हुआ था क्योंकि इस बीमारी का हमारे पास कोई इलाज नहीं था, ये संक्रमण जो था बड़ी तेजी से फैल रहा था और साथ ही साथ यूरोपीय लोग भी नहीं पहुंचे थे और यहाँ के लोग अपनी चपेट उस चेचक के चपेट में ये आने लगे थे। फिर जब हम आगे देखेंगे 19वीं सदी तक यूरोप की जो गरीबी और भूख का जो साम्राज्य था वह शहरों की ओर जो भीड़ थी वह बढ़ने लगी थी। यहाँ पर जब हम देखेंगे 19वीं सदी में यूरोप की गरीबी और भूख का जो साम्राज्य था वह धीरे धीरे कहाँ बढ़ने लगा था, शहरी क्षेत्रों की तरफ यह बढ़ने लगा था। फिर धार्मिक टकराव भी आम हो गए थे क्योंकि लोग जो थे वह धार्मिक टकराव भी होने लगे थे। 18वीं शताब्दी में भी काफी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत दुनिया के मध्य ऐसे देशों में गिना जाता था जो एशियाई में व्यापार के लिए दबदबा इनका बना हुआ था, एशियाई देश में क्या बना हुआ था, दबदबा बना हुआ था। इस तरह से दूसरे देशों के साथ भी इनके अपने संबंध जो थे वह कम होना शुरू हो गए थे और अमेरिका के बढ़ते महत्व के बदलते विश्व व्यापार में भी केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा था। तो इस तरह से हम देखेंगे 19वीं सदी 18
पंद्रह से 1914 तक। 19वीं सदी में भी दुनिया जो तेजी से 19वीं सदी में भी जो बदलाव तेजी से आने लगे थे, जिसमें सामाजिक, संस्कृति और तकनीकी कारकों पूरे क्षेत्र में समाज में यह परिवर्तन होने लगे थे। इससे अर्थशास्त्रियों ने भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय को 3 भागों में बांटा था, जिसमें कि मुख्य रूप से वस्तुओं को जैसे कपड़ा और गेहूं आदि थे, और व्यापार तक यह सीमित नहीं था, बल्कि दूसरा श्रम का भी प्रभाव होता था, क्योंकि जब ये सारी चीजें होगी, आर्थिक विनिमय होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, व्यापार भी होगा और दूसरे श्रम का भी इसमें महत्व बढ़ेगा, और साथ ही साथ तीसरा प्रभाव पूंजी का भी होता था, क्योंकि स्वाभाविक है जब व्यापार होगा तो उसमें पूंजी भी लगेगा, मेहनत भी लगेगा और वस्तु का व्यापार भी वहां पर होगा। तो देखेंगे विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। इस विषय को समझने के लिए हम सबसे पहले औद्योगिक यूरोप में जो है खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलने की रुझानों का विचार करेंगे। स्वाभाविक है जब हम चीजों का उत्पादन होगा, विश्व में जो अर्थव्यवस्था का जब उदय हुआ, तो उस समय आत्मनिर्भरता के रास्ते में यह चलना भी शुरू हो गया था, क्योंकि इसमें जीवन स्तर गिर जाता था, क्योंकि कई गरीब जो होते थे वे क्या करते थे, अपने जीवन स्तर के लिए जो मिलता था उससे ही अपना आत्मसंयम, जो खाने का चीज होता था, वैसे संतुष्ट हो जाते थे। इस तरह से वहां पर क्या हुआ, जैसे जैसे उनका जीवन स्तर गिर गया, सामाजिक तनाव भी बढ़ने लगा और आशंका के भी कई कारण थे, जिसमें देखेंगे 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन में आजादी जो थी वह तेजी से बढ़ने लगी थी, और इससे उद्योग भी बढ़ने लगे थे। ब्रिटेन जो था, एक औद्योगिक क्रांति वहां पर शुरू हुई थी। इस तरह से दूसरे तरफ भी बड़े भूस्वामियों का दबाव भी, सरकार ने मक्के के पाबंदी लागू कर दिया, मतलब इस तरह से वह उनको अपने नियंत्रण में लेने के लिए सोचने लगे थे। फिर खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट, जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर भी बढ़ गया था, और 19वीं सदी में वह ब्रिटेन में औद्योगिक प्रगति में काफी तेजी से वृद्धि हुई थी। आप लोग ये सारी चीजें जो है चित्रों के माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हैं, जिसमें अप्रवासी जो है वह जहाजों में चढ़कर वह दूसरी जगह जा रहे हैं, जहाँ ये अप्रवासियों का मतलब ये होता है कि एक स्थान से दूसरी जगह वह प्रवास करने के लिए, रहने के लिए वे जा रहे हैं। तीसरे से हम देखेंगे पदार्थ जो थे उसमें भी ज्यादा मात्रा में आयात होने लगा था। ये कहाँ कहाँ होने लगा था, पूर्वी यूरोप में, रूस में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, और दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का जो पेट भरने के लिए जो जमीनों को साफ करके खेती भी उस समय की जाने लगी थी, क्योंकि उत्पादन को बढ़ाने के लिए वह जंगलों को या जगहों को साफ करके वहां पर उस वस्तु का उत्पादन भी करने लगे थे। इसी तरह से 19वीं सदी में भी यूरोप में भी लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे, मतलब ये कौन कहलाए, अप्रवासी लोग कहलाए, जो कि एक जगह से जाकर दूसरी जगह पर चले गए थे, और वे सभी जो है अपने अपने घर बार छोड़कर दूर 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 के देशों में जाकर काम करने लगे थे, इसके कारण अपनी आजीविका को चलाने के लिए। फिर आगे हम देखेंगे जो एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था के सामने जब आ चुकी थी, क्योंकि लोग जगह को साफ करके वहां कृषि करने लगे थे, तो इस तरह से ये वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी, जो कि घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन और रुझानों को देखकर हम पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीकी गहरे बदलाव इसमें आ चुके थे, क्योंकि उत्पादन करने के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत सारी नई नई तकनीकों का वे प्रयोग करने लगे थे, जिससे उत्पादन बढ़ाया जा सके, व्यापार किया जा सके, इस तरह से उन लोग कर रहे थे। इस तरह से करीब जो भी मजदूर बहुत कम वेतन पर काम करने कराया जाता था, मतलब क्योंकि जो प्रवासी लोग थे उनको काम की आवश्यकता थी, वह कम वेतन पर भी कार्य करने को तैयार हो जाते थे। तीसरे से हम देखेंगे बहुत छोटे घर पर ही यदि, लेकिन इसी तरह से नाटकीय बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं, जो कि ब्रिटिश भारतीय सरकार की अर्ध रेगिस्तानी परती जमीनों में उपजाऊ बनाने के लिए उन्होंने शहरों का जाल बिछा दिया था, और साथ ही साथ वहां पर निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सकती थी, और इसे आगे भी हम देखेंगे अन्य स्थानों में भी लोगों को लाकर बसाया गया था, और वहां पर इस तरह से कैनाल और कैनालों की नहर वाली बस्ती भी बसाई गई थी,
जहाँ पर कि हम खेती आसानी से कर सकें। फिर तकनीक की भूमिका, तकनीक की जो भूमिका थी इसमें बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जब हम माल को लाना है ले जाना है तो किस माध्यम से ले जाएंगे, तो उसके लिए रेलवे, भाप के जहाज और टेलीग्राफ, तकनीकी बदलाव बहुत हुए और ये महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इन तकनीकी बदलाव के कारण हम वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते थे। और भाप के जहाज भी उस समय आ गए थे। फिर टेलीग्राफ, टेलीग्राफ के माध्यम से हम हर कार्य को आसानी से एक स्थान पर रहकर ही कर सकते थे। इसी तरह से हम देखते हैं कि प्रगति के जो अवसर थे वह चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारकों पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ता जा रहा था, क्योंकि ये चौतरफा विकास हो रहा था। उदाहरण के लिए हम देखेंगे औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन के साधनों पर भी भारी सुधार किए गए थे, जिसके चलने वाली रेलगाड़ियां बनी और जो बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा दिया गया, जिसमें आसानी से हम वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते। इसके साथ साथ उत्पादों व्यापार की जो प्रक्रिया थी वह अच्छा होने लगा था, अच्छा अंदाजा और मतलब से कमाई अच्छी होने लगी थी। इस तरह से अमेरिका भी यूरोप को अपने निर्यात नहीं किया जाता था, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि वह निर्यात ना करके अपने उसकी आय को बढ़ाने की कोशिश करते थे। इस तरह से हम देखेंगे ऊंची कीमतों के कारण भी वहाँ के जो उत्पादों की मांग है, उत्पादन भी कम रहता था। यदि हम देखेंगे कि किसी भी वस्तु की जब कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, यदि उत्पादन अधिक हो रहा है तो वस्तु की कीमत हमें कम करके उसको खर्च करना पड़ता है या उसको बेचना पड़ता है। इस तरह से यदि उसकी मांग या कीमत बढ़ जाएगी तो वह कम हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे दशक बाद जो जानवरों की यात्रा पहले ही मारा जाने लगा, मतलब जो जानवर थे पहले हम क्या करते थे, जानवरों के द्वारा ही हम यात्रा पहले करते थे और उसी से जाने लगा था, सारा सामान भी हम उसी से भेजते थे। लेकिन अब जगह जो जानवरों की बजाय अब उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने, मतलब जानवरों को मार कर ही अब उनको मांस के रूप में उनको बेचा जाने लगा, वह कहाँ भी यूरोप में भेजने लगे थे। फिर 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेश, 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेश का क्या हुआ, 19वीं सदी में आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा, बाजार भी तेजी से फैलने लगे थे, क्योंकि उसमें आधुनिक जो हमारे पास तैयार थे बड़ी बड़ी मशीनें थी उसके द्वारा हम उत्पादन कम समय में अधिक से अधिक करने लगे थे। तो इस तरह से विश्व जो अर्थव्यवस्था के साथ साथ निकटता भी आ गया था और इसके परिणाम स्वरूप यह भी हुआ कि 19वीं सदी के आखिरी दशक में भी यूरोपीय विजय प्राप्त करके कई आर्थिक सामाजिक परिस्थितियाँ जो थी वह भी कष्टदायक थी और औपनिवेशिक समाज में विश्व की अर्थव्यवस्था समाहित कर लिया गया था। फिर आगे और देखेंगे, यह है अफ्रीका का मानचित्र, है ना, अफ्रीका के मानचित्र में को जब हम देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि यहाँ कुछ देशों की सीमाएं जो हैं बिल्कुल ही सीधी लकीर जैसी हैं। कैसी हैं कुछ देशों की सीमाएं जो हैं वह कैसी हैं, बिल्कुल ही सीधी हैं। तब हम देखेंगे तो बिल्कुल ऐसी सीधी सीधी रेखाएं हमें नजर आएंगी, जैसे ये सीधी है, ये रेखाएं सीधी हैं, ये सीधी हैं, ये सारी चीज़ें हमें क्या सीधी नजर आ रही। लेकिन प्रतिद्वंदी जो यूरोपीय यूरोपीय जो ताकत थी हमारे साथ साथ वह अपने अपने इलाकों में बांटने के लिए प्राय इसी तरीके का क्या करते थे, सहारा लेते थे या उसको लिख लिया करते थे। इस तरह से हम देखेंगे लकीरों को खींचकर उसके जो आपस में ही उसको बांट लिया जाता था, मतलब जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब जमीन का बंटवारा होता है, घर का बंटवारा होता है, तो सीधी कोशिश ये करते हैं कि सीधी लकीर में चीज़ें बट जाए। इसी तरह से 19वीं सदी में आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस अपने अपने शासन वाले देशों में चित पर भारी वृद्धि कर ली थी, जैसे उपनिवेश को बढ़ाने के लिए। उस समय ये था कि किसके पास ज़्यादा राज्य हैं और उसने कितने ज़्यादा लोगों को अपने कब्जे में लिया, कितने देशों को अपनी तरफ कर लिया, ये सारी चीज़ें उपनिवेशवाद में बढ़ावा मिलता था। तो इस तरह से हमने देखा कि भूमंडलीकरण में किस तरह से हमारे जो राज्य हैं वह एक होते चले गए। मध्य अफ्रीका भी है, हेनरी मार्टिन के इसमें चित्र के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वह समझ सकते हैं और इसमें रोजी रोटी के साधनों पर भी इसका असर पड़ा था।